वेलकम टू माय चैनल दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल। हाय गाइस, मेरा नाम है दीपिका। दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये वाला सॉफ्टवेयर टॉम लेके आई हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत मुश्किलों के बाद एक सॉफ्ट टॉय बन पाया, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं घर पे, और पैटर्न और सॉफ्ट टॉय क्लॉथ भी नहीं मिल रहा है। आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑफ वाइट है और ये वाला मिल्की वाइट है, क्योंकि कपड़ा भी नहीं है और लॉकडाउन भी चल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वाला सॉफ्ट टॉय आप लोग को कैसा लगा, और आप इसको ना फेल्ट में बनाइए, सबसे अच्छा लगेगा। मेरे पास फेल्ट भी नहीं था एक्चुअली, यहाँ पर ये ग्रे कलर का कपड़ा भी नहीं मिलता। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वाला सॉफ्ट टॉय आप लोग को कैसा लगा। और बहुत दिन बाद पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को सॉफ्ट टॉय टॉम चाहिए या फिर पांडा चाहिए, और एक बताई थी की रिंग चाहिए आपको, बनाना की रिंग। एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी किया था कि बनाना की रिंग बनाने के लिए, तो मैंने ये तीनों डाला था। सब में थोड़ा थोड़ा कमेंट आया और सब में थोड़ा थोड़ा वोट आया, पर इसमें ज़्यादा आया, करीबन 72% इसमें वोट आया। तो जो लोग पांडा के लिए बोले थे, निराश मत होइए, मेरे पास ये वाइट कलर का कपड़ा और बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, दुकान खुल ही नहीं रहा है और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, पांडा का भी वीडियो आएगा, और इसके बाद होगा, अगर होगा मेरे से होगा ये वाला कपड़ा अगर कलेक्ट हो पाया, तो मैं पांडा का वीडियो बहुत जल्द लाऊंगी, और पांडा का वीडियो सबसे अलग वाला वीडियो लेके आऊंगी। बहुत सारे तो पांडा आपने देखे होंगे YouTube में, पर मैं कुछ अलग, कुछ हट के लाना चाहती हूँ, तो अलग टाइप का ही पांडा आएगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वाला सॉफ्ट टॉय आप लोगों को कैसा लगा, ये टॉम आपको कैसा लगा। मार्केट से डिफरेंट है, और हाथ में बनाए जितना कोशिश की कटिंग करने के लिए और जितना परफेक्ट बनाने के लिए कोशिश की हूँ, तो आप लोग मेरी कोशिश कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा और बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और हाँ, अगर कुछ आप लोगों को क्वेश्चन है सॉफ्ट टॉय बनाने के ऊपर, या फिर कुछ और भी क्वेश्चन है, या फिर मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी, शायद 2 दिन पहले डाली थी, तो आप लोग वहाँ जाके ज़रूर मुझे कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आप लोग को हो सके कुछ भी क्वेश्चन हो सॉफ्ट टॉय के रिलेटेड, या फिर मेरे रिलेटेड, या जानना हो कि मैं पैटर्न कैसे बनाती हूँ, तो वो सब क्वेश्चन भी आप लोग वहाँ पर ड्रॉप आउट कर सकते हो, ताकि मैं एक उसके ऊपर एक Q&A वीडियो लेके आऊँगी। आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाओगे इसी चैनल के ऊपर, और आप लोग इंटरेस्ट से मुझे बोलोगे, तो मुझे भी और भी अच्छा लगेगा, और भी वीडियो और भी इंटरेस्टिंग वे में डालने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ अपना राय ज़रूर करते रहिए, और चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉम बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, देखिए ये वाला थोड़ा सा ही चाहिए सिर्फ ईयर के लिए, ये वाला कलर पीच वाला, और वाइट भी थोड़ा सा ही चाहिए, मतलब करीबन 20 cm, और ये मेन कलर है, ये आपको करीबन 30 cm चाहिए ग्रे कलर का। और उसके बाद ये वाला ब्राउन थोड़ा सा ही चाहिए, करीबन 2-4 cm, और ब्लैक कलर आइज़ बनाने के लिए, और ये ग्रीन कलर उसी आइज़ को बनाने के लिए, और ये येलो कलर आइज़ बनाने के लिए। पैटर्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री है। और देखिए, ग्लू या फिर हॉट ग्लू गन आपके पास जो है आप वो लीजिए। उसके बाद देखिए, नोज़ जो टेडी बियर का नोज़ आता है उसी का ही नोज़ लीजिए, और थ्रेड ब्लैक कलर का लीजिए, उसमें डॉट बनाने का काम आएगा, और ये थोड़ा मोटा वाला थ्रेड जो है वो भी लीजिए, और ये सीज़र कट करने के लिए, और मार्कर चौक जो भी है। सारा कटिंग मैंने कट कर लिया, कैसे कट होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, तो आप लोग उसी टाइप से हर एक पार्ट को अच्छी तरह कट कीजिएगा। अब मैं एक एक पार्ट को कैसे स्टिच होता है वो दिखाऊंगी। देखिए, बॉडी के लिए इतना पार्ट आप लोग को ज़रूरत होता है,
ये इनर लेग है, दो पीस मैंने दो पीस कट कर लिया, और ये फ्रंट वाला फ्रंट बॉडी पार्ट है, इसका भी दो पीस कट कीजिएगा। दो पीस कट मत कीजिएगा, इस तरह रखिए, देखिए ये एक पीस कट कीजिएगा, इसको ऐसे रख के रिवर्स कर लीजिएगा और एक पीस कट कर लीजिएगा। मेरे पास कपड़ा का शॉर्टेज था इसलिए मैंने दो पीस कट कर लिया। आपके पास शॉर्टेज नहीं है तो ऐसे ही रख के दोनों पीस को आपस में रख के एक पीस कट कर लीजिएगा, समझ में आया। उसके बाद ये बॉडी पार्ट है और ये बॉडी पीस है, दो पीस ग्रे वेल्वो फेल्ट जो भी ले सकते हैं, ठीक है, दो पीस कट कीजिएगा। ये वाला देखिए, दोनों पीस को मैंने कट कर लिया। उसके बाद ये देखिए, ये बेली वाला पोर्शन है, एक पीस ही कट कीजिएगा। मेरे पास कपड़े का शॉर्टेज था इसलिए मैंने इस तरह रख के एक पीस कट कर लिया, इस तरह रख के एक पीस कट कर लिया। मैंने दोनों पीस को यहाँ से जॉइंट कर देना है, देखिए इस तरीके से दोनों पीस को जॉइंट करना है। आप एक पीस कट कीजिएगा, कुछ इस तरह रख के ही एक पीस कट कीजिएगा। देखिए है तो एक पीस, पर मेरे पास कपड़े का शॉर्टेज था इसलिए मैंने दो पीस कट कर लिया। अब इसी पार्ट को हम लोग स्टिच करेंगे। ये इनर लेग है, दो पीस कट कीजिएगा, यहाँ पर लेग जॉइंट होगा। जैसे आप कटिंग में लिख लीजिएगा, ए से ए जॉइंट होगा और बी से बी जॉइंट होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से आप ये दोनों पार्ट को स्टिच कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला स्टिच कैसे होगा मैं भी दिखाती हूँ। देखिए आपके पास मशीन है तो मशीन में स्टिच कर लीजिए, अगर नहीं है मशीन तो हाथ में इस तरह स्टिच कीजिए। देखिए फर को हमेशा अंदर डाल के ही स्टिच कीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके से डाल के और टक कर लीजिएगा, फिर धागे को इस साइड डाल के और यहाँ पर स्टिच कर लीजिएगा। इस तरह पूरा यहाँ तक स्टिच हो जाएगा। इसी तरह दोनों साइड का आप स्टिच कर लीजिए। और अगर आपका भी कपड़े में इसी तरह शॉर्टेज है, ये दोनों पार्ट को यहाँ से स्टिच होगा और ये पार्ट को यहाँ से स्टिच होगा। देखिए ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर तो लेग स्टिच हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये बीच वाले पोर्शन में आपका ये जो बेली वाला पोर्शन है, यहाँ का सेंटर यहाँ से होके ये गोलाई में इसी तरीके से ये पूरा स्टिच हो जाएगा। मैं बोली थी मेरा कपड़े का शॉर्टेज था इसलिए मैंने स्टिच नहीं, मैं सिंगल सिंगल पीस कट की थी, तो इसी तरह देखिए ये पूरा स्टिच हो जाएगा। और यहाँ तो स्टिच होगा, यहाँ स्टिच होगा, यहाँ पर लेग स्टिच हो जाएगा। उसके बाद ये वाला बॉडी पार्ट है, इसको यहाँ ओपन रहेगा, ओपन लिखा है, यहाँ तक पोर्शन ओपन रहेगा। यहाँ पर सी से आप यहाँ तक स्टिच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे क्योंकि इस वाले पोर्शन में जो हम लोग का फ्रंट वाला पार्ट है, ये वाला जॉइंट होगा। देखिए ए से सी जॉइंट होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर ये दोनों पीस को मत स्टिच कीजिएगा। बोथ पार्ट स्टिच हियर, मतलब ये दोनों पीस, ये वाला बॉडी का दोनों पीस सी से लेके डी तक स्टिच होगा। ये वाला पार्ट स्टिच नहीं होगा, आप स्टिच मत कीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर स्टिच मत कीजिएगा। यहाँ से लेके डी तक स्टिच होगा, पर इतना पोर्शन ओपन रहेगा।
स्टिच कैसे करना आप लोगों को पता है। दोनों पीस को आपस में आपस का राइट साइड यहाँ पर रखेंगे और जहाँ जहाँ बोली यहाँ से यहाँ स्टिच होगा और यहाँ से यहाँ स्टिच होगा, बाकी रेस्ट छूट जाएगा। हैंड का इतना पोर्शन रहेगा। ये दो इनर हैंड है, दो पीस कट कीजिएगा, रिवर्स रखें ही कट कीजिएगा। और ये अपर हैंड है और ये पाम है। देखिए हर एक, देखिए यहाँ पर एक आपने क्या करना है, पहले अपर हैंड को रखना है, उसके साथ एक इनर हैंड को स्टिच करना है। स्टिच कहाँ से कहाँ तक करना है देखिए लिखा है, 1 2 1 2। तो आप लोग यहाँ ऐसे रख के ये दोनों पार्ट को रख लिए जैसे यहाँ पर रखा गया है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये वाला स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट स्टिच होगा, ये पंप पार्ट स्टिच होगा। तो जब यहाँ से यहाँ स्टिच हो जाएगा तब आप एक एक पाम को रखेंगे आपस में इसी तरह। देखिए ये दोनों पाम हैं, आपस में रखेंगे यहाँ पर इस तरह रखेंगे। दोनों पाम हो गया और पूरा चारों तरफ से यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टिच हो जाएगा। स्टिच हो जाने के बाद ये एक ले ये एक हैंड से ये यहाँ स्टिच हो जाएगा और इसको यहाँ पर रख के ये वाला पाम को स्टिच हो जाएगा। तो ये पूरा हम लोग का हैंड पोर्शन तैयार हो जाएगा इस तरह। तो आप लोग बाकी हैंड पोर्शन को सेम उसी तरह ही स्टिच कीजिएगा, और दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा मुझे, या फिर मुझे मेल कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, कहीं पे भी कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये टॉम कैसा लगा। ये टेल पार्ट है, मैंने उल्टा लिखा है एक्चुअली, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये एक टेल पार्ट है, इसका ये वाला पोर्शन ये नीचे रहेगा, इस तरह लगेगा, यहाँ पर बॉडी स्टिच होगा ठीक है, और ये ऊपर रहेगा। मैं लिख दी हूँ उल्टा, आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग तो इतने होशियार हैं। उसके बाद देखिए ये ग्रे होगा, ये वाइट होगा ठीक है, उसका जो टिप पोर्शन है वो वाइट रहेगा। तो दोनों कट कीजिएगा और दोनों को इसी तरीके से स्टिच कीजिएगा। देखिए हो गया ना, ये एक्चुअली पूरा टेल पार्ट आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ स्टिच कीजिएगा, इसके बाद दोनों पार्ट को आपस में रख के पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच होगा। यहाँ पर ओपन रहेगा, यहाँ पर बॉडी स्टिच होगा ठीक है। देखिए कुछ इस तरह मैंने कट किया है, और देखिए यहाँ पर एक स्टिच हो जाएगा और यहाँ पर और एक स्टिच हो जाएगा। उसके बाद दोनों को ऐसे आपस में रख के यहाँ से लेके पूरा आप लोग स्टिच कर लेंगे ये टेल पार्ट। और ये लेग का जो फुट पार्ट है ये वाला, देखिए ये अपर है ऊपर की तरफ रहेगा और ये लोअर है नीचे की तरफ रहेगा। जो लोअर है उस पर डार्ट है, आप इस तरह इस डार्ट को स्टिच कर लीजिएगा, और उसके बाद दोनों आपस में रख के पूरा स्टिच कर लीजिएगा। यहाँ इस पोर्शन से ये सीधा हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा हम लोग का इनर लेग और आउटर लेग लग जाएगा। तो आप लोग यहाँ से लेके पूरा स्टिच कर लीजिएगा, पूरा दोनों पार्ट को रख के पूरा गोलाई में स्टिच कर लीजिएगा। देखिए मैंने कट कर लिया था, और दोनों को मिला के ऐसे स्टिच मत कीजिएगा, इस तरह एक एक रख के स्टिच कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब कट कर लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा और पूरा गोलाई में आप स्टिच कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह दोनों पार्ट को स्टिच कर लीजिएगा। ये बैक हेड है, दो पीस इस तरह कट कीजिएगा। ये बैक हेड का जो उसका क्या बोलते हैं चिन एरिया होता है वो ये वाला है, ये दोनों को इसी तरह रख के स्टिच कीजिएगा। देखिए आप चाहें तो मिला के भी स्टिच कर सकते हैं, या फिर मतलब आप मिला के इसी तरीके से रख के पूरा कटिंग भी कर सकते हैं, पर उसमें इतना ख़ास नहीं आता क्योंकि ये एक बड़ा है, देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, देखिए ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, तो थोड़ा एडजस्ट करके
स्टिच कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर मैं डार्ट दे देती हूँ, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। एक डार्ट दे देती हूँ, चिंता मत कीजिएगा, कटिंग में भी मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पर एक डार्ट यहाँ पर आ गया, तो क्या ना फूल के रहेगा तो तब भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर डार्ट स्टिच होने के बाद यहाँ पर पूरा आ जाएगा, तो ये आपको कटिंग में भी मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। और नहीं मिला तो आप लोगों ने थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको यहाँ पर कट करने के बाद, यहाँ पर डार्ट करने के बाद ये दोनों पोर्शन को स्टिच कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने डार्ट नहीं दिया, थोड़ा सा डार्ट के लिए कट कर ही देते हैं क्योंकि अच्छा भी तो लगेगा ना। देखिए यहाँ पर डार्ट आ गया और दोनों को मिला के यहाँ पर डार्ट स्टिच कर लीजिएगा और यहाँ पर स्टिच कर लीजिएगा। आप लोगों को कटिंग में नहीं मिला तो आप लोग खुद कटिंग में से थोड़ा सा ही, कुछ ट्रिकी नहीं है, देखिए थोड़ा सा ही रख के मैंने कट कर लिया और उसके बाद आप स्टिच कर लीजिएगा। इसको अगर नहीं मिला तो देखिए कैसे कटेंगे, कट कर कीजिएगा, यहाँ पर एक इक्वल रखिएगा और इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कट कर लीजिएगा। देखिए हो गया ना आप लोगों का डार्ट, आप लोगों ने खुद भी कर लिया। और देखिए यहाँ पर यहाँ दोनों स्टिच करने के बाद देखिए ये बैक पोर्शन है, बैक हेड है, तो यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन यहाँ तक स्टिच कीजिएगा। ये वाला पोर्शन इस तरीके से रख दीजिएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका बैक हेड। ये वाला ईयर पोर्शन है, आप चाहें तो पिंक के जगह पीच भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पिंक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पिंक नहीं था तो मैंने पीच ही यूज़ कर लिया। देखिए दोनों पार्ट को रखेंगे इस तरीके से, नहीं ये इसका है, और इसको यहाँ पर रख के दोनों पार्ट हो गया रेडी। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखिए ये चिन पार्ट है, फेस का चिन पार्ट है, ये जहाँ लिखा है 8, ये दोनों पार्ट आप लोग का स्टिच हो जाएगा। देखिए ये दोनों पार्ट आप लोगों ने स्टिच कर लेना है और यहाँ पर डार्ट स्टिच कर देना है। इसके बाद ये फेस पार्ट है, फेस का फ्रंट पार्ट है, और देखिए यहाँ पर लिखा, यहाँ पर जो डॉट दिया गया है ये यहाँ पर दोनों फेस जॉइंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जॉइंट हो गया और उसके बाद ये वाला फेस का ही पार्ट है, वाइट वाला पोर्शन, ये एक वाइट कटेगा। देखिए यहाँ पर वाइट कटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जॉइंट होगा दोनों पार्ट। यहाँ पर ये एक पार्ट है और यहाँ पर ये एक पार्ट है, तो यहाँ देख लीजिए जॉइंट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया, यहाँ जॉइंट होगा और यहाँ पर जॉइंट होगा पूरा। नोज पार्ट है, नोज पार्ट का देखिए यहाँ पर डार्ट है, तो आप लोग ने यहाँ पर डार्ट पार्ट को स्टिच कर लेना है। और ये वाला एक्चुअली माउथ पार्ट है, आप दोनों ये वाला है, देखिए दो पीस कट होगा, उसको कट, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे वाला पार्ट में स्टिच होगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ स्टिच होगा, यहाँ ये वाला पोर्शन खुला रह जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच होगा। अब हम फेस पार्ट को स्टिच करेंगे। देखिए हम लोगों ने फेस पार्ट का ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हेड पोर्शन है, उसको स्टिच कर लिया दोनों पार्ट को। ये वाला नोज़ का हिस्सा है, इसका डार्ट भी हम लोगों ने स्टिच कर लिया। ये माउथ वाला हिस्सा है, इसको भी स्टिच कर लिया। और ये वाला साइड का चिक है, चिक पार्ट पोर्शन जो था, देखिए यहाँ पर स्टिच हो गया और यहाँ पर स्टिच हो गया। और उसके बाद देखिए ये बैक हेड है, देखिए हम लोगों ने ये भी स्टिच कर लिया। अब इसको हम लोग जॉइंट करेंगे। देखिए ये वाला दो पीस होगा, ठीक है, मेरे पास कटिंग अभी अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप लोगों को मैं ऐसे दिखा देती हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए ये पीस होगा
और इसको ये देखिए, इसका जो पॉइंटेड हिस्सा है ये वाला, इसको फेल्ट में ही कट कीजिएगा, फर वगैरह में मत कीजिएगा। सबसे अच्छा होगा आप अगर पूरा सॉफ्ट टॉय को फेल्ट या वेल्वो में बनाएंगे तो सबसे अच्छा उसी में दिखेगा। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस क्लॉथ में किए, कौन से वाले क्लॉथ में किए, वेल्वो या फेल्ट, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मुझे मेजॉरिटी पता चलेगा कि आप लोग किस में करना ज़्यादा प्रिफर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों को यहाँ पर टक लग जाएगा। देखिए हम लोगों ने ये एक एक टक लगा दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्टिच हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको आप कटिंग में भी लिखा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिच हो जाएगा। देखिए मैं आपको पैटर्न में से भी समझा देती हूँ। ये तो जॉइंट हो जाएगा, ये वाला जो डार्ट है तो एक फोर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी फोर लिखा है, 4 to 5। देखिए देखिए 4 to 5 जॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये पार्ट को यहाँ से स्टिच हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर किया। देखिए आप भी इसी तरह रख के, ठीक है, आप मार्क कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर रख के मार्क कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको बहुत ही आसानी होगा स्टिच करने के लिए। हो गया ये वाला काम हो गया। और उसके बाद हम लोग हेड पार्ट में स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 लिखा है। और देखिए इसका बीच वाला हिस्सा यहाँ इस तरीके से कर दीजिएगा तो बीच वाला हिस्सा निकल जाएगा। पैटर्न में अगर नहीं लिखा होगा तो आप लोग लिख जरूर दीजिएगा। 3 लिखा है और 3 को 3 से, देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, ये वाला पार्ट जॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला यहाँ से और यहाँ पर बीच वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा स्टिच हो गया, देखिए स्टिच हो गया। उसके बाद ये वाला हिस्सा लेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 लिखा है, ठीक है, मतलब 1 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये वाला इस साइड का है और रिवर्स करेंगे तो 1 2 लिखा है यहाँ पर, तो आप लोग वही उसी साइड 1 से 1 ये जो अपर फेस है उसी का ही पार्ट है, ठीक है, इसका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक स्टिच कीजिएगा। और उसके बाद 2 को 2 से यहाँ कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है, हो गया। सेम इसी इस साइड का, इस साइड को कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने
इतना स्टिच कर लिया, ये वाला स्टिच हो गया और ये वाला एक एक टक लग गया। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन था इसको हम लोगों ने जो माउथ वाला पोर्शन स्टिच किया था उसको इस तरीके से खोल देंगे, ठीक है। दोनों साइड खुल गया। अब यहाँ से ये जो कॉर्नर है, ये मतलब ये वाला टू हिस्सा जहाँ लिखा है वहाँ पर स्टिच करेंगे, ठीक है। ये चेक चिक का पोर्शन और उसके बाद ये वाला पोर्शन, और भी स्टिच होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर कहीं कट नहीं लगा रही हूँ, पूरा वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए ये जो ऊपर का जो नोज़ एरिया है उसको भी यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग कहीं नहीं लिखी हूँ, तो आप लोग थोड़ा देखिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। देखिए इक्वल पकड़ेंगे, इक्वल यहाँ से इक्वल हुआ, और उसके बाद देखिए जहाँ तक गया, जहाँ तक ये पोर्शन गया वहाँ पर लेके एक स्टिच लगा देंगे। ठीक है, हो गया। और इसका यहाँ पर जो सेंटर वाला हिस्सा है, जैसे जहाँ एट लिखा है, देखिए एट लिखा है ना, एट देखिए मार्क कर लेंगे। और इसका देखिए ये जो चिक वाला पोर्शन है वहाँ पर भी एट लिखा है, यहाँ से यहाँ एट लिखा है, जॉइंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला एट पोर्शन है और ये वाला एट, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा जॉइंट है, और खुद बना रही हूँ ना तो इसीलिए, नहीं तो प्रोफेशनल होता या फिर कुछ कोई और टेडी से कॉपी होता तो इतना कटिंग नहीं होता, ठीक है। उनका अलग होता है, हम लोग का अलग होता है। तो देखिए हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ जॉइंट हो जाएगा, देखिए देखिए, ठीक है। ये ऊपर की तरफ रहेगा, थोड़ा 3D इफेक्ट होने जैसे होगा उसी तरह। और यहाँ पर जो हमने इसको लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में जैसे स्टिच किया था उसी तरह ही मैं एक टक लगा दे रही हूँ। उसके बाद इसको लेके, ये तीनों को लेके आप स्टिच की करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाला जो माउथ पोर्शन है, ये वाला जो चिक पोर्शन है, और ऊपर का ये नोज पोर्शन है। देखिए ये पूरा यहाँ से स्टिच होगा, थोड़ा आप लोग थोड़ा बड़ा छोटा करके स्टिच कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा, कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है। तो देखिए यहाँ से मैं थोड़ा आपको स्टिच करके, एक साइड स्टिच करके भी दिखा देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी धूप भी तो आ रहा है और आपको अच्छे से और भी अच्छे से दिखाई देगा। देखिए
थोड़ा एडजस्ट करके आप स्टिच कीजिएगा। देखिए मैं एक साइड स्टिच करके आपको अच्छे से दिखा भी दे रही हूँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरा इंस्टाग्राम भी है और मेल भी है, और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं मेरा नंबर भी है, ऑफिशियल नंबर है। आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो और इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो देखिए कहीं पे भी किसी भी जगह प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, और प्रॉब्लम होगा नहीं आप अगर वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे। अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पे स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो ईयर पोर्शन है हम लोगों ने यहाँ से स्टिच कर लिया, इसको अभी हम सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा हो गया दोनों का, और उसके बाद देखिए ये लगेगा आधा इधर, थोड़ा सा ही लगेगा, ठीक है। इतना ईयर लिखा है ना, इतना पोर्शन इधर रहेगा, मतलब देखिए यहाँ पर जो चिक पोर्शन है ये वाला, ये वाला जो चिक पोर्शन है यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा इस तरह, ठीक है। फोल्ड होने के बाद एक टक लग यहाँ पर लगा दीजिएगा। सुई कहाँ गया, इधर। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ही फोल्ड कीजिएगा, ज़्यादा फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोल्ड करने से गंदा भी दिखता है। और यहाँ पर एक फोल्ड कर दीजिएगा और एक टक लगा दीजिएगा। और यहाँ पर स्टिच होगा इस तरह लगेगा। तो थोड़ा सा जो यहाँ पर ईयर वाला पोर्शन है यहाँ पर ये वाला में थोड़ा सा इधर रहेगा और बाकी सिर पर रहेगा। तो देखिए आप मार्क कर लीजिएगा, और उसके बाद इसी तरीके से एक टक इधर लगा दीजिएगा, और ये तो फोल्ड रहेगा, और इसको पूरा इक्वल लेंगे, कहीं पे बड़ा छोटा मत कीजिएगा। मैं जैसे कर रही हूँ आप वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक स्टिच लगा दीजिएगा, देखिए इस तरीके से इस ये वाला भी अनदर ईयर को भी आप स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद आप लेंगे ये वाला जो हेड पोर्शन है पीछे का,
पूरा सेंटर, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से सेंटर आप स्टिच कीजिएगा। और ईयर के साथ ही तो स्टिच करना है। और देखिए ये वाला चिक पोर्शन है, चिक का इस ये वाला कॉर्नर और इस कॉर्नर को स्टिच कीजिएगा। और यहाँ पर रख के देखिए ये वाला हिस्सा पूरा स्टिच हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला हिस्सा स्टिच होगा और चिन एरिया को छोड़ दीजिएगा, जो यहाँ से यहाँ तक चिन बोलती हूँ नेक एरिया, यहाँ से यहाँ छूट जाएगा। और इसका भी यहाँ से यहाँ तक छूट जाएगा, ठीक है, और बाकी पूरा हिस्सा स्टिच हो जाएगा। आप लोगों ने सारा पार्ट तो स्टिच कर लिया होगा, और देख लीजिए मैंने भी स्टिच कर लिया। देखिए यहाँ बोली थी ना, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, और ये देखिए हम लोगों ने बेली पार्ट को भी स्टिच कर लिया, और उसके बाद ये लेग पोर्शन को भी स्टिच कर लिया, हैंड को भी स्टिच कर लिया, मैंने एक गलती से सीधा कर लिया था, कोई बात नहीं, आप अगर ना करना चाहें तो भी चलेगा। और अब हम ये जो बॉडी पार्ट है उसको हम लोग स्टिच करेंगे। मैं छत पे आई हूँ इसलिए आपको कलर शायद कुछ धूप जैसा लग रहा होगा, और उसके बाद छांव भी दिख रहा होगा, तो मैं छत पे ही हूँ, तो आपको मेरी बात अगर बोर ना लगे और अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बात करते करते हम इतना सारा स्टिच कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और भी आप लोग अगर सॉफ्ट टॉय डिज्नी का सॉफ्ट टॉय बनाना चाहते हो या करना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये जो बॉडी पार्ट हम लोगों ने स्टिच किया उसको ऐसे खोल देंगे, ठीक है, देखिए इस तरह खोल देंगे। और उसके बाद देखिए ये हम लोगों ने जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर रखेंगे, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कोना है ना ये वाला, इस यहाँ से रख के यहाँ पर एक डार्ट लगाएंगे। हर एक वीडियो में बोलती हूँ एक एक डार्ट ज़रूर लगाया कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा पीस कहाँ पर जॉइंट करना है। आई होप बारिश भी ना हो, क्योंकि बारिश भी हो रहा है, धूप भी निकल के आ रहा है, घर पे वीडियो नहीं बना सकती, घर पे बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, और उसके साथ ही साथ नॉइज़ी बहुत हो जाता है, इसलिए आप लोगों को मेरे वीडियो में थोड़ा नॉइज़ तो ज़रूर मिलता होगा, तो उसके लिए माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ एक टक लगा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस पार्ट को स्टिच करेंगे ना, तो इसलिए एक एक टक ज़रूर लगाइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, बार बार बोलती हूँ ना, पक जाते होंगे क्योंकि मेरा काम ही तो है, आप लोग तो लाइक तो करते नहीं, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। और ऐसे लाइक करेंगे, ऐसे मोटिवेट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी स्ट्रेट और यहाँ पर भी स्ट्रेट, और इसको यहाँ पर एक टक लगा दीजिएगा। आपके साथ ही मैं पहली बार ही बना रही हूँ कटिंग करने के बाद, पीस तो अच्छा बन जाएगा
पर आप लोग कुछ बोलते नहीं तो मुझे पता भी नहीं लगता कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हो गया, हम लोगों ने कितना स्टिच कर लिया। देखिए ये वाला पार्ट स्टिच कर लिया, यहाँ पर स्टिच कर लिया और यहाँ पर भी स्टिच हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला पार्ट को भी स्टिच कर लीजिएगा आप। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये कोना वाला हिस्सा है, जो बोली थी ना सी तक आप स्टिच कीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा यहाँ से और यहाँ, इसको जो लोअर पोर्शन है, हो गया स्टिच हो गया ना, इसलिए बोलती थी सी तक ही स्टिच कीजिएगा, सी के नीचे छोड़ दीजिएगा। और एक साइड मैंने आप लोगों को दिखा दिया, देखिए ये पूरा स्टिच हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो लेग वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है देखिए, इसका सेंटर निकाल देंगे, ये वाला सेंटर है, देखिए यहाँ पर एक मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पर एक मार्क कर लीजिएगा, और ये जो लेग का पोर्शन है इसका सेंटर तो आप ही जानते हैं यहाँ पर है, और उसके सेंटर में से इसको स्टिच कर लीजिएगा। बहुत गर्मी भी बहुत हो रहा है, कब ख़त्म होगा और जाके घर पे बैठूंगी। देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रही हूँ, गर्मी में छत में बारिश में बैठ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप अपने विचार मेरे से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे इस तरह ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कुछ भी सिचुएशन में वीडियो बनाने के लिए। देखिए हो गया यहाँ पर सेंटर में, और सेंटर में देखिए ये पोर्शन यहाँ पर स्टिच हो जाएगा, यहाँ पर स्टिच हो जाएगा, ये वाला स्टिच हो जाएगा, उसके बाद बचा ये हैंड, देखिए ये पोर्शन का, उसका भी आप सेंटर निकाल दीजिएगा, इस तरह रखिएगा, देखिए यहाँ पर है सेंटर और यहाँ पर है सेंटर, सॉरी ये वाला सेंटर, और यहाँ पर रख के ये अपर हैंड है ये वाला, ठीक है, और ये जो पोर्शन है कुछ इस तरह रहेगा, देखिए इस तरह, ठीक है, यहाँ से और ये पोर्शन एक स्टिच हो जाएगा, और यहाँ का जो सेंटर यहाँ से ये वाला एक स्टिच हो जाएगा। और हो गया ना, और उसके बाद आप लोग यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। अगर दिक्कत आ रहा है तो कोई बात नहीं, स्टिच हो जाएगा, पूरा मेज़रमेंट के साथ ही बनाए, देखिए पूरा यहाँ से स्टिच होएगा और यहाँ से स्टिच यहाँ तक होएगा। हो गया, ये एक साइड मैंने आपको बता दिया, और दूसरा साइड वैसे डिट्टो सेम ही होगा, ठीक है, कुछ अलग तो नहीं होगा। और अब हम हेड पार्ट को स्टिच करेंगे। स्टिच हो जाने के बाद देखिए ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इस फ्रंट वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ स्टिच करेंगे, और देखिए यहाँ पर स्टिच हो जाएगा, और बैक वाले हिस्से को भी आप लोग यहाँ से यहाँ स्टिच हो जाएगा, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंने पूरा स्टिच कर लिया, यहाँ जो ओपन छोड़ा जाना था वो वाला भी छोड़ दिया, और देखिए हेड को भी स्टिच कर लिया, और पूरा फुल बॉडी आप लोगों का स्टिच हो गया। ये हैंड स्टिच हो गया है, मैं अंदर डाल दी थी तो एक इसलिए, पर स्टिच हो गया है, देखिए
आप लोगों ने देख लिया। अभी आप इसको सीधा कर लेंगे और स्टफ डाल देंगे, अच्छी तरीके से टाइटली स्टफ डाल देंगे। उसके बाद देखिए, सीधा करने के बाद यहाँ पर जो डार्ट हम लोगों ने जो स्टिच किया था ना, उसके ठीक ऊपर आप नोज़ लगाएंगे, उस डार्ट के ठीक ऊपर। उस डार्ट को मत कट कीजिएगा, डार्ट के ठीक ऊपर ही नोज़ लगाइएगा। स्टफ डालने के बाद और इस तरह दिखेगा, और आप यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, हमने टेल स्टिच किया था, उसको सीधा कर दीजिएगा और स्टफ डाल दीजिएगा। जहाँ मार्किंग है पैटर्न में कि टेल लगाना है, उसी जगह हम लोग लगाएंगे। आप मार्क कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर रख के आप हाथ से स्टिच कर दीजिएगा। कैसे स्टिच होता है वो भी दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप यहाँ पर ना वो जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आता है वो भी ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल थ्रेड को 4-5 बार ऐसे राउंड कर दीजिएगा, मतलब 4-5 धागा एक ही साथ डाल दीजिएगा, और उसके बाद ना इसी तरह कंटिन्यूसली 4-5 नॉट लगाते जाइएगा। क्या ना, उसका जो मूछ वाला हिस्सा है उसको बनाना है। तो देखिए, करने के बाद यहाँ पर एक कट लगा दीजिएगा और ऊपर में थोड़ा ना आयरन से जला दीजिएगा ताकि वो खुले ना, ठीक है। देखिए, इस तरह हम लोग बनाएंगे ठीक इसी जगह, और इस ऐसे अंदर डाल दीजिएगा, और टाइट मत कीजिएगा और लूज ही छोड़िएगा उसको, जैसे वो ऊपर की तरफ दिखे। और उसके बाद अनदर साइड को ना इसी तरह, वो हमने हाथ में स्टिच किया
हाथ में हुक लगाया, इसको हमने हाथ में हुक नहीं लगाना, उसको यहाँ पर हुक लगाना है। थोड़ा धीरे से आराम से कीजिएगा, ठीक से हो जाएगा। आप चाहें तो नोज को इसी तरह छोड़ सकते हैं या फिर देखिए इस तरह स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर डालिएगा और ठीक आईज के कॉर्नर पे निकालिएगा, जो मोटा वाला थ्रेड वो यूज़ कीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा। अगर आप फेल्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वो पतला वाला जिससे हम लोग स्टिच करते हैं उसी पे यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद देखिए इसको कस के खींचिएगा और ये दब जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि स्टफ भी है ना अंदर, तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा। कोई बात नहीं, आप निकालिएगा, निकल जाएगा। और देखिए इसी तरह दो बार कीजिएगा और निकाल के और यहाँ पर गांठ लगा दीजिएगा। देखिए नोज थोड़ा फूला हुआ दिख रहा है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं या फिर जैसा था वैसा भी रख सकते हैं। और देखिए थोड़ा पैर को थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में आप स्टिच करेंगे, जैसे हमने पू में किया था, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है तो उसी तरह आप लोग यहाँ पर भी स्टिच करेंगे। देखिए सिंपल स्टिच है, रनिंग स्टिच है। यहाँ पर एक लेना है, जैसे लेग को एक लेना है और बेली में से थोड़ा लेना है, इस तरह करके ये लेग को पूरा स्टिच करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।